आप लोग अगर तक ना गए हो तो हम तीसरे हेड की तरफ जाएं। थैंक यू नूरुलैन, दिस इज योर टर्न, यू कैन टॉक अबाउट लोन। सर जिस तरह से मौसम ने बताया कि बजट में दो मेन हेड होते हैं, एक आपका रेवेन्यू जनरेशन हेड होता है और एक हमारा एक्सपेंडिचर हेड होता है। अब मैं मेजरली अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो हर साल ऑलमोस्ट 35% जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो एलोकेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोन्स रीपेमेंट पे। अगर मैं टेन्योर, आप फिगर को रिपीट करेंगी प्लीज, से 35% जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो लोन रीपेमेंट में जाता है of the budget. Yes. अगर मैं सिर्फ तीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो 2008 में हमारा जो $1 था वो 81 PKR के बराबर था और उस टाइम पे जो हमारा डोमेस्टिक लोन था वो था 6 trillion PKR जबकि जो हमारा फॉरेन लोन था वो स्टैंड कर रहा था $62 billion पे। इसके साथ साथ अगर मैं फिगर दोबारा रिपीट कीजिएगा, बच्चों को फायदा होगा जी प्लीज। सर अगर मैं रुपी की प्राइस क्या थी वहां से शुरू कीजिएगा। सर 2008 में $1 वाज इक्वल टू 81 PKR और अगर मैं 2008 से 13 के टेन्योर को देखूं तो 2008 में जो हमारा डोमेस्टिक लोन था वो 6 ट्रिलियन पीकेआर था जबकि जो हमारा फॉरेन लोन था वो $62 billion पे था। जो एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज में 2008 से 13 तक जो हमारा डोमेस्टिक लोन था वो 40 ट्रिलियन पीकेआर था जबकि हमारा जो फॉरेन लोन था वो 89 billion dollars पे स्टैंड कर रहा था। इसी तरह से अगर मैं 2000 मुझे ये बता रही हैं कि 2012 से 13 से लेकर 2018 के दरमियान में हमारा इजाफा 6 ट्रिलियन से बल्कि 8 से 18 तक 40 ट्रिलियन पे हम पहुंचे हैं। Okay. सर इस तरह से अगर हम 2013 से 18 की फिगर्स को देखें तो उस टाइम पे हमारा जो $1 था जो पहला बजट दिया गया उस पे $1 हमारा स्टैंड कर रहा था 109 PKR पे। इसके साथ अगर हम लोग अपने डोमेस्टिक लोन को देखें तो वो था 12 ट्रिलियन PKR जबकि जो हमारा फॉरेन लोन था वो स्टैंड कर रहा था $84 billion पे। और जो हमारा एवरेज था, एवरेज में हमें एकदम से बूम मिलता है क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक लोन था वो था 98 ट्रिलियन PKR एवरेज और जो हमारा डोमेस्टिक लोन था वो था $409 billion। इसी तरह से जब हम 2018 से 22 की बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम $1 वो था हमारा 139 PKR पे। उस टाइम पे जो हमारा डोमेस्टिक लोन था वो 30 ट्रिलियन PKR था जबकि जो हमारा फॉरेन लोन था वो $105 billion था। अगर हम एवरेज की बात कर लें तो हमारा जो डोमेस्टिक लोन था वो $419 billion तक आया जबकि जो हमारा डोमेस्टिक लोन था वो 282 ट्रिलियन PKR पे आया। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि विद टेन्योर्स हमारा जो रुपी है वो डीवैल्यूएट होता गया। अगर मैं मेजर फैक्टर्स की बात करूँ जो लोन को इफेक्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है बजट डेफिसिट। सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि बजट डेफिसिट जैसे हमने बजट को कवर किया, बजट में जिस तरह से बताया गया कि एक होती है हमारी आमदन जिसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हमारी और एक होते हैं हमारे खर्चे जैसे कि एक्सपेंडिचर। सर क्योंकि एक टिल्ट था एक गवर्नमेंट शिफ्ट फ्रॉम द डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेटिक तो हमारे टैक्स कलेक्शन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से हमारे खर्चे थे तो वो उस गैप को कम करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट जितनी भी रिसेंट तीनों टेन्योर की अगर हम बात करें तो उन्होंने उस बजट डेफिसिट को कम करने के लिए मजीद लोन एक्वायर किया ताकि उस बजट डेफिसिट को और अपने खर्चों को जो है वो आराम से फैसिलिटेट किया जा सके। सर इस बजट डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए हमने अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। जब हमने अपने फॉरेन रिजर्व्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो डिप्लीट होना शुरू हो गए। स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम 2008 से 13 के टेन्योर को देखें तो उस टाइम पे सर हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स है वो हमारे पास इंक्रीज हुए हैं 62% तक लेकिन साथ ही साथ हमें 54% डिक्लाइन भी मिलता है। अगर हम 2013 से 18 की बात करें तो हमारे फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुए 99% पे लेकिन साथ ही हमें डिक्लाइन मिलता है 46% का। लेकिन अगर हम 2018 से 22 इसको आप सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड में बताएंगे कि 98% इंक्रीज क्या था और 46% डिक्लाइन क्या था, इसको कैसे फिगराइज करेंगे। अपने नेशनल बैंक रिजर्व में जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, फॉरेन रिजर्व बेसिकली क्या होते हैं कि एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इतने डॉलर या इतना गोल्ड पड़ा होगा तो इस पे हमारा एक्सचेंज रेट ट्रेड का जो है वो डिसाइड होता रहेगा। तो इस फॉरेन रिजर्व की बात करें कि हमने जितना एक्वायर किया उसके साथ साथ हमारा उतना ही निकलता भी गया। अगर लेकिन अगर हम 2018 से 22 को देखें तो हमें डिक्लाइन ही मिलता लेकिन हमें एक बूम मिलता 137% पे।
इस तरह से सर जब हम बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स अपने यूज़ करना शुरू हो गए हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपने रुपए को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं 1950 में $1 का है और मैं उसकी एक आटे की बोरी खरीद रही हूँ तो ये चीज़ जस्टिफाई समझ आती है कि मैं $1 के बस अपना ₹1 दे रही। लेकिन आज अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारा $1 जो है वो $220 पे खड़ा है तो डॉलर भी वही है, आटे की बोरी भी एक ही है, लेकिन मुझे उसकी बिस पर 1 से 220 गुना ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि डॉलर अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है और जो मेरी कमोडिटी की क्वांटिटी है वो भी वही है, लेकिन मेरा जो रुपए है वो आहिस्ता आहिस्ता डिवैल्यू होता जा रहा है। इसको हफीज़ पाशा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, वो इसको रेयर डच डिजीज का नाम देते हैं। रेयर डच डिजीज जी, कि आप सिर्फ डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए आप अपने रुपये को गिराते हैं। जब आप फॉरेन रिजर्व को बैलेंस आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा आप जब रुपए को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं तो तब आप ये करते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स चूंकि आप मार्केट में लगाते जा रहे हैं आपका डॉलर नीचे आता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि डॉलर की जो प्राइस होती है वो इस लेवल पे रुपया आ जाता है कि लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं रादर देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आराम से आ रही होती है। लेकिन इसका नुकसान इकोनॉमी को क्या होता है कि हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिक्लाइन में जा रही होती है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ सर अगर मैं बात करूँ कि फॉरेन रिजर्व को पूरा करने के लिए हमने अपना पैसा स्टेबलाइज करने की कोशिश की, उस पैसे से डॉलर तो बढ़ता गया लेकिन हमारा पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू होता रहा। अब मैं अगर स्पेसिफिकली टेन्योर वाइज बात करूं तो 2008 से 2013 में जो सबसे मेजर इशू था वो था हमारा सिक्योरिटी रीजंस थे, बहुत ज़्यादा टेररिज्म था और उस चीज़ के लिए उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी जो उस टाइम का जो करंट गवर्नमेंट थी उसका जो फोकस था वो टेररिज्म को कॉम्बैट करने में था। लेकिन उसने फिर भी लोन्स एक्वायर करने की कोशिश की, कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंडर $85 बिलियन लिए और IMF से भी कुछ लोन लिए। चाइना के साथ भी बहुत से एग्रीमेंट साइन किए लेकिन उसके लिए उसको हतमी शक्ल या उसको अमली शक्ल नहीं दे सके। इसी तरह से हम जब 2013 से 18 के टेन्योर में देखते हैं तो यहाँ पे भी लोन्स जो हैं बहुत मुख्तलिफ मद में लिए गए। जैसे चाइना से हमने लोन लिया ऑरेंज लाइन के लिए, हमने लाहौर मेट्रो बस के लिए लोन लिया और हमने CPAC के अंडर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिया। एनर्जी का जो हमारा टारगेट था CPAC में दैट वाज 37,000 मेगावाट्स जो कि 33,000 मेगावाट पे हमने क्लोज किया इन 2018, जिससे एनर्जी क्राइसिस को हमने बहुत हद तक ओवरकम किया। इसके अलावा सर उस दौर में जो गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान स्टील मिल का जो कलेक्टिव लोन था वो था ₹1,000 बिलियन, तो वो ये चाहते थे कि हम इसको प्राइवेटाइज कर दें ताकि इनके जो फाइनेंसेस हैं उसको लिक्विडेट किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए और इस लोन से निकला जाए। उसके लिए भी IMF से लोन एक्वायर किया गया लेकिन अगेन प्राइवेटाइजेशन करने में वो नाकाम रही। अगर मैं आज 2018 से 2022 का टेन्योर, ये बेसिकली 4 साल का टेन्योर बनता है जिसमें जो FDR के डाटा के मुताबिक फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के मुताबिक रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की गई है। उस टैक्स कलेक्शन की वजह से उस टाइम की हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के अंडर ₹407 बिलियन की का एक प्रोग्राम लॉन्च करे जिसमें जवान जितने भी नौजवान हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएँ ताकि वो अपने स्टार्टअप्स लगा सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, रेवेन्यू जनरेट हो ताकि लोन रिपेमेंट में आसानी हो जाए। और इसके अलावा उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने का वादा किया गया कि अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो हम आपको हर लेवल पे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं 2018 से 22 की बात कर रही हूँ तो मैं जो एक्सट्रीम कोविड हिट था 2019-21 उसके बारे में बात करना यहाँ पर ज़रूरी है। इस दौरान पूरी दुनिया का जो पब्लिक डेट है वो 10% से ज़्यादा बढ़ चुका था लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में आता है जिसका जो पब्लिक डेट है वो बहुत ज़्यादा फॉल किया था। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि बेहतर पॉलिसीज और स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए हमने बिज़नेस को किसी न किसी तरीके से रनिंग पोजीशन में रखा। इसी तरह से अगर हम 2019 का डाटा देखें तो हमारे रिजर्व से जो हमारा पब्लिक डेट टू GDP रेशियो था वो स्टैंड कर रहा था 77% पे, जबकि 2020 में वो स्टैंड कर रहा था 70
77% था, 2020 में स्टैंड करते 71% थे, यानी हमें 6% डिक्लाइन कट किया, ठीक है। इसी तरह से सर हम लोगों के जो फॉरेन रिजर्व थे वो 2020 में थे 7 बिलियन डॉलर थे, लेकिन और जो हमारी फॉरवर्ड बुकिंग हुई थी IMF की जो हमने रीपे करना था दैट वाज 8 बिलियन डॉलर, तो हम नेगेटिव वन में जा रहे थे। लेकिन अगर हम 2022 का एंड जो एंड वाला टाइम है अगर हम वो देखें 2022 का स्टार्ट टाइम, तो हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो 10 बिलियन डॉलर पे थे, लेकिन जो हमारी IMF के साथ फॉरवर्ड बुकिंग थी वो 6 बिलियन डॉलर पे थी, यानी हम 4 बिलियन डॉलर में सरप्लस पे थे। इसी वजह से IMF ने एक अच्छी एक स्कीम बनाई जिसके अंडर उसने पाकिस्तान की उन रिफॉर्म्स को दोबारा से जो है उन पे नज़रसानी करने का सोचा और मज़ीद इस एग्रीमेंट को आगे लेके जाने का सोचा। अगर मैं पूरी की पूरी लोन को समराइज करने के लिए आपको थोड़ी सी इम्प्लिकेशंस बता दूं, तो लोन को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लोन को हम ओवरकम नहीं करेंगे तो हमें कॉन्टिन्यूस डेट ट्रैप में फंसेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी हम 10 रुपये का लोन है उसको रीपे करने के लिए मैं 20 रुपये का लोन ले रही हूँ जिसमें 10 रुपये अदायगी और 10 रुपये इंटरेस्ट है, उसको वापस करने के लिए मेरे पे मज़ीद 20 का लोन चढ़ रहा है, तो मतलब मैं एक लोन को उतारने के लिए मज़ीद लोन लिए जा रही हूँ, तो ये एक लोन साइकिल है, एक लोन ट्रैप है, इससे निकलना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक कॉन्टिन्यूस सर्कल जो है वो स्टैगफ्लेशन कॉज करता है। स्टैगफ्लेशन अगर बहुत आसान अल्फाज में समझाया जाए तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपकी कमोडिटी प्राइसेस बहुत राइज पे, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही, मार्केट में रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा और एक स्टेगनेंट कंडीशन है। इस चीज़ से भी निकलने के लिए हमें लोन के लिए बेहतर पॉलिसीज डिवाइस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें अपने एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज करना इस पॉइंट पर हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल 2013 से 2018 के टेन्योर में मिलती है, उस टाइम की गवर्नमेंट ने 32 बिलियन डॉलर को स्टेबलाइज करने रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट में भेजा था, जिसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमें ये मिलती है कि सब्सिडी ऑयल पे उस टाइम प्रोवाइड की थी $22 पर बैरल ऑयल, इस तरह से सब्सिडी प्रोवाइड की गई और उसको रुपए को इक्वलाइज करने की कोशिश की गई। जिसका नुकसान क्या हुआ, जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारा जो वो डॉलर था ना वो FDI से आ रहा था, ना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आ रहा था, ना वो किसी और सोर्स से आ रहा था, जो हमारे पास पड़ी हुई रिसोर्सेज थी उन्हीं को हम यूज़ करते जा रहे थे। तो लोन से निकलना हमारे लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस ट्रैप को तोड़ सकें। थैंक यू। इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा, जैसे कि नूर ने बताया कि सर बजट हमारे बजट का 35% जो है वो हम लोन की रिपेमेंट्स में दे रहे हैं और उसके लिए हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसको मज़ीद लोन लेना पड़ रहा है, लोन को ही पे करने के लिए हम मज़ीद लोन ले रहे हैं, तो ये एक डेब्ट ट्रैप है जैसे कि नूर ने बताया। तो सर इस डेब्ट ट्रैप की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो जो है सर जितने भी हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में हम लैग कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली देखा जाए तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ रहा है और जैसे कि नूर ने बताया कि स्टैगफ्लेशन में फिर राइज आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नूर का चूंकि टॉपिक थोड़ा सा वास्ता और लगता है कि रिसर्च आज थोड़ी ज़्यादा की थी, वेरी गुड। मैं इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में आप सबको और लिसनर्स को बताना चाहूँगा। हमारे ऊपर जो हमने लोन लिया है लोन में 2008 से लेके 2022 तक जो इजाफा हुआ है वो 6,000 अरब रुपए से हम कोई 43,000 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, प्लस 6,000 बिलियन पी के आर से 43,000 बिलियन पी के आर पे हम पहुंच गए हैं, जिनमें जो पहले 8 से 13 की हुकूमत थी हमने 6,000 से 12,000 अरब रुपए पे पहुंच गए, फिर जो 13 से 18 की हुकूमत थी हम 12 से 30,000 अरब रुपए तकरीबन पे पहुंच गए और फिर आखिरी जो 4 साल की हुकूमत थी हम 30,000 से 43,000 अरब रुपए पे तकरीबन पहुंच गए। एक तो ये हुआ, ये रुपये की हमने बात की, डॉलर की भी उसी तरीके से तनासब से इजाफा हुआ है, डॉलर इसी में इंक्लूडेड है रिमेंबर।
2008 में हमारे ऊपर तकरीबन कोई 62 अरब रुपए डॉलर का टोटल कर्जा था, जबकि अब हमारे ऊपर कोई 127 बिलियन, अगर मैं फिगर सही कोट कर रहा हूँ, तकरीबन इतना ही कर्जा है। नूर बेटा ने बार बार फिगर्स कोट किए कि हमने 80 अरब डॉलर लिए या 40 अरब या 45 अरब डॉलर लिए। याद रखें कि मोस्टली जो हम लोन लेते हैं वो शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं। लोन हमने इस साल लिया, वही हुकूमत अगले साल में या उसके बाद वाली हुकूमत वो लोन पे कर रही होती है। 3 से 5 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको लोन दिए जाते हैं, तो आप लोन ले भी रहे हैं, आप लोन पे ऑफ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो आखिरी 4 साल थे उसमें हमने ऑन एवरेज 12.5 बिलियन डॉलर्स डॉलर्स में हमने पे किया। 12.5 अरब डॉलर एनुअली हमने पे ऑफ किया, लोन पे ऑफ किया। लिया वो अलग कहानी है, वो ज़्यादा लिया है, लेकिन लोन हमने पे ऑफ किया। उससे पिछले 5 साल में हमने कोई 5.4 बिलियन प्लस माइनस एनुअली पर ईयर डॉलर्स हमने पे ऑफ किए, राइट। सो हम लोन ले भी रहे होते हैं, लोन पे ऑफ भी कर रहे होते हैं। आप लोग ये भी एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि 8 से 13 के दरमियान में हमने तकरीबन कोई 3 अरब से कम एनुअली लोन पे ऑफ किया। उसके बाद वाली जो हुकूमत थी उसने 5.5 प्लस माइनस उन्हें लोन पे ऑफ किया एनुअली, और जो आखिरी 4 साल थे हमने कोई 12.5 पे ऑफ किया। और ये जो हमारा माली साल क्लोज हुआ है इसमें हमने 17 अरब डॉलर पे ऑफ करने थे, लेकिन थैंक्स टू चाइना, थैंक्स टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई, उन्होंने अपने जो लोन जो हमने पे ऑफ करने थे वो उन्होंने फॉर अ ईयर और टू डिफर कर दिए, ठीक है। एक तो ये है कि लोन हमने कितना लिया और कितना पे ऑफ किया। दूसरा, नूर ने और बकिया बच्चों ने ये भी बताया कि लोन लेने की रीजंस क्या है। सिंपल, एक बजट डेफिसिट, आपके बजट में खसारा है, 4000 अरब रुपए प्लस माइनस खसारा होता है, उसको कहीं से तो मीट करना होता है। हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। दूसरा, आपके डॉलर रिजर्व्स डिप्लीट करते हैं, डॉलर रिजर्व्स डिप्लीट करते हैं उसके लिए आपको लोन लेना पड़ता है। तीसरा, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, डॉलर रिजर्व या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो तो हमें लोन लेना पड़ता है। तीसरा, जिस तरह ने बताया और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि हमने आर्टिफिशियली मैनेज किया द प्राइस ऑफ पीकेआर को, कैसे बाहर के सोर्सेज से लोन लिया, उन्होंने फिगर्स कोट किए 38 बिलियन डॉलर्स, हमने बाहर सोर्सेज से लोन लिया और उसको हमने प्राइवेट बैंक्स में फेंक दिया वो डॉलर, ताकि रुपी डॉलर जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें बैलेंस आए और रुपी स्टेबल रहे। थैंक यू वेरी मच। तो लोन का हेड भी हमने किया, कोशिश की कि आप लोगों को हम आसान अल्फाज में इससे भी समझा सकें और आप लोगों को इससे फ़ायदा हो।